हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज हम बात करने जा रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में जो हमें सबसे कॉमन सवाल पूछा जाता है कि भाई एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है और इसके कैसा ट्रीटमेंट इसका हो सकता है और इसके लिए कब सर्जरी कराने की रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो सबसे पहले कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। एंडोमेट्रियोसिस बच्चेदानी के अंदर यानी कि यूट्रस में और यूट्रस के आसपास के एरिया में पाए जाने वाली एक बीमारी है। जो उसके टुकड़े निकलते हैं तो वो क्लॉट बनकर आसपास के एरिया में यानी कि आंतों पर, प्रस्राव की थैली यानी ब्लैडर के ऊपर, ओवरीज के ऊपर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आंतें, ओवरी और यूट्रस सब आपस में चिपक कर एक मैस हो जाता है, गांठे बना लेते हैं, जिसके कारण पेड़ों के अंदर काफी भारीपन रहता है, दर्द होता रहता है और पीरियड्स के टाइम पे काफी ज्यादा पेन होने लगता है, इंटरकोर्स के टाइम पे भी काफी पेन होता है और ऐसी स्थिति में कई बार प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाती है। तो ये एंडोमेट्रियोसिस के मोस्ट कॉमन लक्षण है या सिम्टम है जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है। अब एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट के दो तरीके हो सकते हैं कि मेडिसिन हो सकती है या सर्जरी हो सकती है। जनरली शुरू में जैसे कि बच्चियों के अंदर भी एंडोमेट्रियोसिस की समस्या पाई जा सकती है तो उनमें हम लोग सर्जरी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उन्हें दवाई देना प्रेफर करते हैं जिसमें जो प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड कई सारे साल्ट होते हैं जो कि हम आप लोगों को प्रेस्क्राइब करते हैं। इसमें ये लगातार गोलियां चलती हैं क्योंकि आप जैसे ही दवाइयों को बंद करते हैं तो वापस से महीने का ब्लड अंदर जमा होने शुरू हो जाता है जिसकी वजह से वापस से रिकरेंस हो जाता है। क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस होने का जो मूल कारण है, जो मेन कारण है, वो है आपका पीरियड्स का ब्लड। जब तक आपके पीरियड्स आते रहेंगे फेलोपियन ट्यूब से यानी जो बच्चेदानी के आसपास की जो दोनों नलियां हैं उनमें से ब्लड आकर बच्चेदानी के पीछे के हिस्सों में यूट्रस के आसपास के एरिया में जमा होता रहता है जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस बनता है। तो हमारा एक टारगेट होता है कि जैसे भी वो महीना कम से कम आए, ब्लीडिंग कम से कम हो और इसका डिपोजिशन कम से कम हो, उसके लिए हमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से बहुत हेल्प मिलती है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि हर बार मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट हो पाए। जनरली यंग गर्ल्स के अंदर या ऐसी कोई लेडीज है जिनको की प्रेगनेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां हम मेडिसिन ट्राई करते हैं जिसमें प्रोजेस्टेरोन की मेडिसिन गोलियां हो सकती है, इंजेक्शन हो सकते हैं। लेकिन यदि हमसे ये पूछा जाता है कि एंडोमेट्रियोसिस में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कब करानी चाहिए या सिंपल सर्जरी कब करानी चाहिए, तो उसका एक जवाब है कि यदि आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है यानी आपका दर्द दवाइयों से नहीं ठीक हो रहा है, आपको इंजेक्शन लेने के बाद भी आराम नहीं पड़ रहा है, तो आपको डेफिनेटली सर्जरी करानी चाहिए। दूसरा, यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो डेफिनेटली आपके पास सर्जरी कराने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जो भी मेडिसिन हम लोग एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं उनसे बच्चा नहीं लगता है, वो एक तरह की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, तो इस प्रकार से हम आपको किसी प्रकार की गोली दे नहीं सकते तो आपका इलाज नहीं होगा। इसलिए यदि आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी ही एकमात्र उपाय है। यदि आपको बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पेट के अंदर बड़ी बड़ी सिस्ट बन गई है, गांठे बन गई है जो कि फट सकती हैं या जिनके कारण आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, तो भी आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए क्योंकि इनमें आगे जाके कैंसर बनने की संभावना हो सकती है। ऐसा नहीं है कि होगी, बट डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज अ चांस। दूसरा, कई बार जो बड़ी बड़ी गांठें होती है वो पेट के अंदर फट जाती हैं, तो उनके अंदर बहुत जो भी चॉकलेट या ब्लड है वो पेट के अंदर फैल जाता है जिसकी वजह से एक प्रकार का मैस क्रिएट हो जाता है जिससे सर्जरी भी बहुत मुश्किल हो जाती है और उसके साइड इफेक्ट भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए समय रहते अपनी सर्जरी कराकर इलाज करा लेना चाहिए, हमें किसी भी प्रकार के मैस में लैंडअप नहीं करना चाहिए क्योंकि बाद में सर्जरी भी बड़ी करनी पड़ती है, टाइम भी ज्यादा लगता है, खर्चा भी ज्यादा लगता है और आपको रिकवरी में भी टाइम लग जाता है और फायदा भी कम होता है। तो ऐसे सारा नुकसान वाली स्थिति में ना जाइए और जब इससे ही आपको पता चलता है कि आपको बीमारी है और बीमारी का इलाज सर्जरी है तो डेफिनेटली आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। तो इस तरीके से 2-3 चीजें बिल्कुल ऐसी है कि जहां पे सर्जरी के अलावा और कोई उपाय बचता नहीं है और जब भी आपको सर्जरी कराने की सलाह दी जाए तो डेफिनेटली आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही चूज करनी चाहिए क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से बहुत अच्छा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, माइनर डिटेल के साथ सर्जरी होगी और जो बच्चेदानी के पीछे का हिस्सा है वो दूरबीन से ही अच्छा दिखता है। क्योंकि जब ओपन सर्जरी करते हैं तो हम लोग ऐसे पेशेंट यूं लेटा हुआ है और हम उसको आगे से कट लगाकर सर्जरी करते हैं तो जो बच्चेदानी का पीछे का हिस्सा है जो रीढ़ की हड्डी की तरफ है यानी लैटरिन की थैली और बच्चेदानी के बीच के हिस्से का ऊपर से नहीं देख सकते, लेकिन जब हम दूरबीन डालकर देखते हैं तो दूरबीन
36 सेंटीमीटर लंबी होने के कारण पेट के कोने कोने में जाकर, डीप में जाकर हर तरीके से बीमारी को ढूंढ लेती है और अच्छे से बीमारी का इलाज हो पाता है और हम कोने कोने में जाके इलाज कर पाते हैं। हाथ वाले ऑपरेशन में इतनी सुविधा नहीं मिल पाती है, ना ही इतना अच्छा दिख पाता है, ना ही क्लियर विजन होने के कारण और एक्सेस की कमी होने के कारण बीमारी छूटने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए फिर दोबारा सर्जरी कराने की नौबत भी जल्दी आ जाती है। इसलिए जब भी चूज करें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ही चूज करें और ऐसा डॉक्टर चूज करें जो एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी में एक्सपर्ट हो, क्योंकि ये सर्जरी बहुत डिफिकल्ट सर्जरी होती है, क्योंकि आंतें आपस में चिपक जाती है, ब्लैडर चिपक जाता है, जो यूरिटर होती है वो भी खराब हो जाती है। तो ऐसी सब स्थिति में इन सब चीजों को बचाकर उनके सारी बीमारी निकालना इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। इसलिए एंडोमेट्रियोसिस एक्सपर्ट डॉक्टर को ही आप चूज करें जिससे कि आपकी सर्जरी अच्छी हो सके। और एंडोमेट्रियोसिस में एक बहुत बड़ा डिक्टम है कि फर्स्ट सर्जरी शुड बी द बेस्ट सर्जरी, क्योंकि जब आप पहली सर्जरी कराएं वो ही बहुत अच्छी होनी चाहिए जिससे कि आपको आगे बीमारी होने की संभावनाएं काफी कम हो जाए। क्योंकि यदि आपकी सर्जरी आधी अधूरी होगी, कुछ बीमारी अंदर छूट जाएगी, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी बीमारी का रिकरेंस होगा और फिर से आपको दोबारा सर्जरी करानी पड़ेगी। और जब भी दोबारा सर्जरी कराएंगे तो पहली वाली सर्जरी से ज्यादा रिस्कियर होगी, कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि चीजें और ज्यादा आपस में चिपक जाएंगी। और जब भी हम चिपकी हुई चीजों को हटाते हैं तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन की संभावनाएं बढ़ जाती है, चोट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है, तो सर्जरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसलिए पहली बार ही समझदारी से काम में लें और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी चुने और लैप्रोस्कोपिक एक्सपर्ट डॉक्टर चुने और वो भी एंडोमेट्रियोसिस में एक्सपर्ट डॉक्टर को ही चूज करें।